असलकम अभी हम सेकंड चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनकी बात करेंगे ठीक है सेकंड चैप्टर है हमारा हेल्थ साइकोलॉजी यानी कि सेहत की नफ्सियात बहुत सारे टॉपिक तो आपको ऑलरेडी पता है तो ब्रीफली जो है वो मैं आपको उनके आंसर्स जो हैं वो बता देती हूँ सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है सेहत की तारीफ तो सेहत की अगर हम लोग भी मैनों की बात करें तो ज़ाहिर है कि तंदुरुस्त होना किसी किस्म की बीमारी का ना होना शफायाब होना ठीक है हम कह सकते हैं कि सेहत की तारीफ है अगर हम इसी लिहाज से देखें तो जहनी तौर तो पर और जिसमानी तौर तो पर तंदरुस्त और ताकतवर होना सेहत कहलाता है अगर आपके तमाम आजा अच्छे तरीके से अपने अफाल सर अंजाम दे रहे हैं तो आप सेहतमंद हैं डब्ल्यू एच ओ के मुताबिक सेहत की तारीफ क्या है डब्ल्यू एच ओ के मुताबिक सेहत से मुराद मुकम्मल जिस्मानी जैनी और समाजी बेहतरी है ठीक है डब्ल्यू एच ओ के मुताबिक सेहत से मुराद मुकम्मल जिसमानी और बेहतरी है, है ठीक है? तो ये आपने इसी तरीके से डेफिनेशन लिखनी है फिर मुताबकत क्या है मुताबकत से मुराद अफराद का खुद को, के ठा को माहौल के मुताबिक ढाल लेना खुद को माहौल के मुताबिक इख्तियार कर लेना और फित्री और समाजी माहौल में जितनी भी रुकावटें पैदा होती हैं उनको दूर करना और अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए कोशिशें जारी रखना इसका नाम जो है वो मुताबकत है ज़ाहिर है कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं लेकिन अक्सर चीज़ें हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं हो रही होती या हमारी जरूरियात के मुताबिक नहीं हो रही होती अपनी पका को कायम रखने के लिए हमें अपने आप को माहौल के साथ मुताबकत अख्तियार करने की जरूरत होती है ठीक है मुताबकत इंसान की वो बेहतरीन सलाहियत है जिसके तहत अफराद और इर्द गिर्द के माहौल का मुशाह करते हुए जो जरूरियात होती हैं उनके साथ मवाफ़कत इख्तियार की जाती है खुद को सूटेबल बनाया जाता है और जो नीड्स होती हैं उनको उस हिसाब से पूरा किया जाता है डब्ल्यू एच ओ के मुताबिक सेहत की नफ्सियात से क्या मुराद है ठीक है नेक्स्ट <coughs> आपका क्वेश्चन है कि डब्ल्यू एच ओ के मुताबिक सेहत की नफसियात से क्या मुराद है सेहत की नफस्यात को तालीमी, साइंसी और पेशावराना वारा लिहाज से सेहत की और तरक्की यानि कि किस तरीके से हम सेहत को बेहतर बना सकते हैं बीमारियों की रोकथाम और सेहत व बीमारी के हवाले से तशीस व इलाज का नाम दिया गया है यानी कि तीन इसमें स्टेप्स आते हैं नंबर वन लोगों की हेल्थ कंडीशन को किस तरीके से बेहतर किया जा सके नंबर टू बीमारियों को किस तरीके से रोका जा सके बीमारियों की स्प्रेड को रोका जा सके और तीसरा सेहत और बीमारी के हवाले से प्रॉपर डायग्नोसिस प्रॉपर ट्रीटमेंट वक्त पर इलाज वक्त पर उसका डायग्नोसिस किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है सेहत की नफसियात से मुराद सेहत के लिए वो नफसियाती अफसूल नज़रियात और तकाज़े हैं जो सेहत की तरवीजो तरक्की के लिए ज़रूरी होते हैं ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो ऊपर आपने की और ये वाली इन दोनों को आपने अच्छे से कर लेना है फिर आप ब्रीफली ये इसको पढ़ लें कि सेहत की जरूरत क्यों होती है अच्छी सेहत का इंसानी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर होता है फिर ये जो है ये जो क्वेश्चन है सहनी सेहत के नज़रियात ये शॉर्ट में भी आता है ये लॉन्ग में भी आता है ठीक है तो इसको आपने दोनों हिसाब से तैयार कर लेना है आमतौर तो पर किसी एक आज जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तबई नुक़ नज़र से क्या मुराद है या आ, असतीरी नुक़ नज़र से क्या मुराद है या फिर आ, मज़बी मजहबी नुक़ नजर से क्या मुराद है ये आमतौर तो पर इस तरह के कोई एक आध शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है इंसानी शख्सियत की कितनी जहतें हैं इंसानी शख्सियत की तीन जहतें हैं जिसमानी समाजी और रूहानी जहनी सेहत का दारो मदार किस चीज पर है मुसलमानों के नज़दीक खुदा से नजदीकी और जहनी बीमारी खुदा से दूरी है जेनी सेहत का हतमी दारो खुदा से नज़दीकी रूहानी बालिदगी और फितरत के साथ हमांगी है इमाम गजाली कहाँ पैदा हुए इमाम गजाली खरासान के कस्बा तूस में पैदा हुए आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की आपने इब्तदाई तालीम नेशाफोर से हासिल की इमाम गजाली की तसनीफ के नाम लिखें अलूम और कीमियाए सादत इमाम गजाली के नज़दीक इल्म की कौन सी इकसाम है इमाम गजाली के नज़दीक इल्म की दो इकसाम है पहला के नज़दीक पैगम्बर अला तरीन हस्तियाँ हैं जो खुदा से इलामी इल्म हासिल करती हैं का हतमी मकसद खुदा की पहचान है जो वो कुत है जो खुदा तक पहुंचाती है और ज़ात के जरिए से ही हम खुद आगाही से खुदा आगाही तक पहुंच सकते हैं इमाम गजाली की नज़दीक जहनी बीमारियों की कितनी किस्में हैं इमाम गजाली की नज़दीक जहनी बीमारियों की दो किस्में हैं ठीक है आ, एक जिसमानी है और दूसरी तफाली है जिसमानी बीमारियां वो हैं जो कि जिसम में किसी किस्म की बीमारी की सूरत में हो सकती हैं और इनका इलाज किया जा सकता है जबकि तफाली अमराज जो है वो जहालत का नतीजा होते हैं ठीक है और जैनी बीमारी की सबसे बड़ी वजह जो है वो खुदा से दूरी है इसकी बहुत सी इकसाम है जैसे कि किलमल है बोगस है ठीक है बुजदली है और जफा है और ठीक है ये सारे जो हैं वो डिफरेंट किस्म के तमाह है ये हसद है ये डिफरेंट किस्म के रूहानी मर्ज हैं इलाज बजरिया जिद से क्या मुराद है इलाज बजरिया जिद कमी है अखलाके हसना का पैदा होना और बुरे अख्लाक यानी कि इलाके रजीला का शख्सियत से का, खात्मा ठीक है मौलाना शफली थनिया थानवी के तरीके इलाज का क्या नाम है मौलाना शफली थानवी ने थानवी ने नफसियाती खानाई तरीका इलाज और ग्रोही तरीके इलाज के नाम से मौसूम किया जाता है उसके मुताबिक जो है वो जहनी बीमारियों का इलाज किया आपकी दो तसनीफ की क्या नाम है इलाज बजरिया कुतुब और इलाज बजरिया सोबत ठीक है फिर उसके बाद तबई और गैर तबीयी मैार में फर्क है या आपने शॉर्ट के लिए भी करना है लॉन्ग के लिए भी करना है किसी एक आध पर नोट आ सकता है जैसे कि शुमारियाती मार है या समाजी मेार है ठीक है फिर आगे है दबाव, दबाव लॉन्ग क्वेश्चन है इसको शॉर्ट के तौर पर भी आप त्यार कर सकते हैं जैसे कि दबाओ की तारीफ बयान करें दबाओ जहन और जिसम का वो रदल है जो तब्दीली की सूरत में रोनम होता है मजमू तौर तो पर दबाव एक ऐसी जिनी हालत है जिसमें फत बेचारगी खौफ गुस्सा की कैफियत महसूस करता है फिर क्वेश्चन आ सकता है कि लजारस के मुताबिक दबाव क्या है लजारस के मुताबिक किसी फत का दबाव की सूरत हाल में अमल यानी कब जब भी आपको किसी किस्म का स्ट्रेस हो तो आप किस तरीके से अमल देते हैं वो सूरत हाल की तशरी के मुताबिक होता है ठीक है कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं बाजा अवकात होती बॉडी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है लेकिन हम लोग नॉर्मल होते हैं क्योंकि हम उसको इतना खुद के ऊपर तारी नहीं करते और बाज बाज़त जो है वो छोटी सी बात होती है लेकिन वो हमें बहुत स्ट्रेसफुल लगती है फिर आपने बताना है कि दबाव की रतुबतें कौन कौन सी हैं उनके नाम लिखने हैं फिर दबाव के जराए कौन कौन से हैं मतलब जाती जराए कौन से हैं माहौली जराए कौन से हैं ये आपने करना है फिर कशमकश क्या होती है कश्मकश फर्द कशमकश की सूरत हाल में उस वक्त मुबतला होता है जब इंसान के पास दो मारकात या मकासद हों लेकिन वो दोनों को हासिल ना कर सकता हो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घर से पांच हजार रुपए लेके गई आपको मार्केट में दो सूट बहुत पसंद आए लेकिन एक सूट की कीमत चार हजार पांच सौ है और दूसरे सूट की कीमत चार हजार सात सौ है तो आप ऐसे तो नहीं कर सकती हैं कि आप दोनों सूट लें आपको किसी एक सूट को ही लेना पड़ेगा तो ये जो सूरत हाल होगी ये कशमकश कहलाएगी जब दो या दो से ज्यादा मुर्कत या मकासद की माबे चुनाव का मसला दरपेश हो जाए तो उसको हम कशमकश कहते हैं इसकी आगे से तीन किस्में हैं असूल असूल कशमकश जिसमें दोनों पॉजिटिव चीजें होती हैं यानी दोनों चीजें हमें पसंद होती हैं लेकिन आ, जो है वो इंसान स्ट्रेस का शिकार हो जाता है कि किस को ले जैसे दोनों पसंदीदा सूट हैं लेकिन हम किसी एक को ले सकते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपको दो जॉब्स मिल जाए जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर भी जॉब मिल जाए और किसी और जगह आपको बेहतर ग्रेड में भी जॉब मिल जाए तो आपको समझना है कि वो क्या करे इधर जाए या उधर जाए तो उसको हम कहेंगे हसूल, हसूल, कश्मकश हसूल ग्रेज कश्म है कि जिसमें इंसान जो है वो उसको बारे में मस्बत भी सोचता है और मनफी भी सोचता है जैसे आपके पास पैसे नहीं है आप पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन उस सूरत में आपको घर से दूर जाना पड़ेगा घर में जो आपको सहूलतें हैं घर में जो आपका प्यार है घर में जो लोग आपकी केयर करते हैं वहां पे आपको आपकी केयर किसने करनी है तो आपके जहन में दोनों बातें होती हैं कि आपको मुलाजमत भी करनी है और साथ साथ आप ये भी नहीं चाहते कि आपको मोहब्बत ना मिले आपको केयर ना मिले और आप घर से दूर हों तो इस किस्म की जो सिचुएशन है वो वो हसूल गुरेज कशमकश कहलाएगी फिर गुरीज गुरेज कशमकश है गुरेज गुरेज़ कश का मतलब यह है कि दोनों ही मकासद नापसंदीदा हैं लेकिन आपने किसी एक को लाजमी चुनना है जैसे आमतौर तो पर स्टूडेंट्स मेरी करती हैं कि वो पढ़ना भी नहीं चाहती हैं और फेल भी नहीं होना चाहती हैं इस वजह से वो सारा जी मेहनत है उसके ऊपर पानी फेर देती है और वो पढ़ाई नहीं करती हैं और फेल हो जाती हैं तो अवॉयडेंस अवॉयडेंस कंफ्लिक का मतलब यह है कि दोनों चीजें ही नापसंदीदा हैं हालांकि पढ़ना आपके लिए पसंदीदा होना चाहिए इसी तरीके से आपको स्विमिंग भी नहीं आती है लेकिन आप फ्रेंड्स आपके साथ खड़े हैं और वो स्विमिंग कर रहे हैं और वो आपको बार बार बुला रहे हैं तो आप शर्मिंदा भी नहीं होना चाहते कि आपको स्विमिंग नहीं आती तो दोनों सिचुएशन आपके लिए काफी खतरनाक है कि अगर आप स्विमिंग करने जाएंगे तो आप डूब जाएंगे तो और अगर नहीं करेंगे तो दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे तो इस किस्म की जो सूरत हाल है ये कशमकश कहलाती है फिर बाद सदमा दबाओ अर्जे से क्या मुराद है इसको हम रिएक्शन भी कहते हैं। देखें हमारी जिंदगी में ट्रॉमा कॉमन है ट्रॉमा किसे कहते हैं या सदमा किसे कहते हैं आपका कोई करीबी फौत हो जाए आप जिससे मोहब्बत करती थी उसकी डेथ हो जाए ठीक है या क्या कहना चाहिए कि आपका कोई भी पसंदीदा चीज थी जैसे कि आपकी जॉब थी या फिर यह है कि कोई आपका किसी कोई माँ है उसका कोई बेटा है या बेटी है ठीक है वो फौत हो जाता है या कहीं पे जंग शुरू शुरू हो जाती है या आपको आपके घर से जहां की वे आपकी मोहब्बत थी आपका सब कुछ था वो घर आपसे छीन लिया जाता है या कोई भी इस किस्म का सदमा जो कि इंसान के लिए काफी ज्यादा हर्टफुल हो तो उसको हम सदमा कहेंगे तो सदमे के महीने के बाद यानी कि सदमे के कुछ अरसे के बाद जो इंसान की सूरत हाल होती है उसको हम बाद सदमाती दबाव का अर्जा कहते हैं बाद दबाव के अर्जे की जो अलाम हैं, उसमें तश्वीश है कि इंसान नॉर्मल नहीं रहता हर वक्त छोटी छोटी बातों पर किसी न किसी बात पर खुद को तश्वीश का शिकार अप्रीहेंशन का शिकार रखेगा उसको चैन नहीं पड़ पाएगा उसको नींद सही से नहीं आएगी वो खुद को अफसुर्दगी में डाला रखेगा डिप्रेस रहेगा उसकी तवज्जो किसी चीज के ऊपर नहीं कायम रह सकेगी और जज्बाती तौर पर वो छोटी छोटी बातों पर, पर परेशान होता रहेगा ये जानी तौर पर खलल में मुबतला रहेगा उसको कोई खुशी खुशी नहीं दे सकेगी और उसके गम इतने ज्यादा हो जाएंगे कि उसको खुद को वो हमेशा डिस्टर्ब फील करेगा एहसास गुनाह भी इसमें शामिल होता है कि मैं क्यों नहीं अपनी माँ को बचा सकी मैं क्यों नहीं उस वक्त हेल्प कर सकी या मैं उस वाक्य से क्यों नहीं निकल सकी या अगर फॉर एग्जाम्पल तलाक हुई है तो मैं क्यों ना ऐसे कोशिश कर सकी कि यह तलाक ना हो या अगर आपने अपनी किसी दोस्त को धोखा दिया या किसी ऐसी हस्ती को धोखा दिया जो कि आपके साथ लॉयल थी लेकिन आपने उसको धोखा दिया तो बाद में आपको पछतावा एक दिन जरूर होता है और आप एहसास गुनाह में मुबतला हो जाते हैं ठीक है या फिर इसमें देखें कि बाजाओकात ऐसे होता है जैसे कोई बच्ची है या कोई बच्चा है तो उसकी जिंदगी में बचपन में कोई ऐसा वाक्य हो जाता है जैसे कुछ लोगों के साथ तौर पर ज्यादा होती है किसी किस्म की तो वो ज़ाहिर है कि वो न, किसी से शेयर भी नहीं कर सकता या किसी को बता नहीं सकता तो वो एहसास गुनाह में मुबतला हो जाता है ऐसी लड़कियां बड़े होकर हर चीज को साफ सुथरा रखना हर चीज के ऊपर जो है वो आ, वो एक और डिसऑर्डर है चले हम उसमें डिस्कस करेंगे तो ऐसा गुनाह जो है वो इसमें शामिल होता है और गुस्सा भी इसमें शामिल होता है ठीक है इसकी अलमत को दूर करने के लिए हम अगर हम ताल्लुक को बेहतर बनाएंगे अच्छे दोस्त बनाएंगे अपना सोशल सपोर्ट नेटवर्क इनहांस करेंगे लोगों से अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे शेयर करेंगे तो हम अपने आप को बेहतर फील करेंगे ठीक है तो सदमाती दबाव के आशे में हमें सोशल स्किल ट्रेनिंग लेने की जरूरत होती है ठीक है इसकी अलमत में क्या होता है कि इंसान खुद को खौफ महसूस करता है उसके अंदर दहशत होती है उसके अंदर खौफ होता है उसके अंदर बेचारगी की कैफियत होती है फर्न वाकियात को दोबारा तजर्बा करता है वो अपने ख्याल इदराक और ख्वाबों के जरिए उनको दोबारा ज़ेन में लाता है जो चीज़ें यह शख्स इस वाक़े से मिलती जुलती होती हैं उनसे बहुत ज्यादा दबाव और तकलीफ महसूस करता है फ़र्सदमी की कैफियत में मुबतला होता है और वो उन तमाम गुफ्तु से के एहसास से परहेज करता है जो कि उस सदमे से रिलेटेड होते हैं और उन लोगों को वो अवॉइड करता है फिर शदीद इसतरारी आर्जा है ठीक है और इस इसतरारी आर्जा है बेजा खौफ है बेजा खौफ क्या है एक कैसा गैर मुंतकी खौफ है जो इंसान जिंदगी में महसूस करता है लेकिन वो उससे नजात हासिल नहीं कर सकता बेजा खौफ किसी चीज़ की मौजूदगी या यादम मौजूदगी में मफलूज कर देने वाला खौफ है इसकी किस्में हैं मखसूस बेजकौफ जिसमें किसी खास चीज का खौफ होता है समाजी बेजक खौफ जिसमें हम लोगों में जाने से डरते हैं खुली जगहों पर खौफ जिसमें आप खुली जगहों में जैसे कि हजूम है जहाँ आमदरफ्त वाली जगह है या बाजार है वहां जाने से डरते हैं और इसके बाद जो है वो क्लास्ट्रोफोबिया है जिसमें आप बंद जगहों में जाने से गुरेज करते हैं आप कमरे की कुंडी नहीं लगाते आप दरवाजा बंद नहीं करते आपको घुटन महसूस होती है तो उसको हम क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं ठीक है फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है जिसकी मैं बात कर रही थी कि जिसमें इंसान सफाई के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है वो अपने घर को तमाम चीजों को हाथों को मुंह को फर्श को बर्तनों को पाओ को हर वक्त होते रहते हैं उनको साफ सुथरा रखने की कोशिश करते रहते हैं अपने तालों को दरवाजों को खिड़कियों को और कमरों को बार बार चेक करते रहते हैं कि जी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो इसके अलावा बीमारी खाने की बीमारी कुछ लोगों को खाने के प्रॉब्लम होते हैं कम जिसमें आपका वजन जो है वो नॉर्मल वजन से भी बीस फीसद कम होता है और इंसान खाना नहीं खाता है ठीक है इसकी जो सिम्टम्स हैं उसमें आ, दिल की धड़कन का सुस्त होना ब्लड प्रेशर का कम होना हड्डियों की कमजोरी और गुर्दों के अमराज और बालों का गिर जाना शामिल है बसे खोरी जिसमें इंसान को बैलों जैसी भूख लगती है वो बहुत ज्यादा खाता है और फिर जो है वो आ, उगल देता है ठीक है यानी कि मुंह में उंगली डाल वो, तो वो समाजी कार मायूसी अपने आ, सेल्फ अपना जो है वो आपका लो होता है आप अद्वियात का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं खुद को बार बार शीशे में देखते रहते हैं कि आप कहीं से मोटे तो नहीं हो रहे और पुरखोरी जिसमें हफ्ते में दो से चालीस मरतबा पंद्रह सौ से तीन हजार कैलोरीज तक आप ज्यादा खाना खा जाते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें होती हैं फिर वर्जिश करना सेहत को बेहतर बनाना किस तरीके से ज़रूरी है कब वर्जिश करनी चाहिए ये भी इसमें आता है फिर ये शिजॉड जो है शख्सी यारजा है इसकी अलामत में ना तो इंसान करीबी कोई ताल्लुक चाहता है ना ही अगर कोई करीबी ताल्लुक है तो उसमें किसी किस्म का लुत्फ उठाता है चाहे वो ख़ानदान में ही क्यों ना हो यानी कि वो रिलेशनशिप किसी किस्म के भी अच्छे नहीं बना सकते वाम का पतना पसंद सरगर्मियों में शामिल होते हैं और ख़ुद को अकेले रखते हैं और वो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं जिसमें दूसरे लोग उनके साथ हों उनकी सेक्शली कोई इंटरेस्ट नहीं होती है ठीक है उनका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या किसी किस्म का कोई जिसमानी तौर पर या जिनसी तौर पर किसी से कोई ताल्लुक नहीं होता है वो किसी भी सरगर्मी में कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं ठीक है उनके अंदर कोई दोस्त अहबाब नहीं होते ना ही कोई ऐसा फर्द होता है जिससे वो अपने राज शेयर करते हैं और दूसरों की तारीफ का या तनकीद का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता जज्बाती तौर तो पर महर होते हैं समाजी तौर तो पर तन अख्तियार करते रहते हैं और लोगों से लातालुक रहते हैं फिर शीजो फ्रीनिया शीजो फ्रीनिया लॉन्ग के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है इसकी आपको मस्बत अलमत और मनफी अलाम का इलम होना चाहिए मस्बत अलमत में डिल डिसऑर्गेनाइज स्पीच ग्रॉसली डिस और कैटाटोनिक में गैर मुन गुफ्तु वाहमा गलत अदराक और गलत अकीदे शामिल हैं जबकि मनफी अलामात में हरकत सकनात का काम होना बात ना करना खुश न रहना बेसी और बलाती जो है वो शामिल हैं इसके साथ साथ आपने शीज की तमाम टाइप्स करनी है ठीक है किसी के ऊपर भी शॉर्ट में भी नोट आ सकता है और लॉन्ग में भी नोट आ सकता है ठीक है फिर डिल्यूजन क्या होते हैं क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए खलासे को भी आप एक आ, नजर पढ़ लें और ये जो है वो डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सेकेंड चैप्टर से आ सकते हैं आपने इनको अच्छे तरीके से याद करनी है ठीक है जी बेस्ट ऑफ लक थैंक यू